ओके स्टूडेंट्स, टुडे वी सी द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय ग्राफिकल मेथड। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है कि वो हमारा लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। इट मीन दैट मैक्सिमम पावर वन होना चाहिए और उसमें दो वेरिएबल्स होने चाहिए। ठीक है, मतलब द इक्वेशन इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ एनी वेरिएबल इज वन एंड हैव टू वेरिएबल इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे आपका x प्लस y इक्वल टू 5। एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिव ए स्ट्रेट लाइन। प्रत्येक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो है एक स्ट्रेट लाइन देता है और उसको हम ग्राफिकल मेथड से पहले देखते हैं। हालांकि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए देयर आर फोर मेथड्स, चार मेथड है। फर्स्ट ग्राफिकल मेथड है, सेकेंड हमारा एलिमिनेशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और फोर्थ होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जिसमें आपको ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें डिलीटेड है। तो हम सबसे पहले ग्राफिकल मेथड के देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। इस इक्वेशन का कोऑर्डिनेट्स निकालना हम एकदम आसान और ट्रिकी मेथड बताते हैं कि आप कौन सा कोऑर्डिनेट लेंगे जिसका इन दोनों का सलूशन सेम हो जाए। ठीक है, तो करना क्या, आप पहले एक्स की वैल्यू और बाद में वाई की वैल्यू लेंगे और ऐसे ही हम कोऑर्डिनेट निकालेंगे इस इक्वेशन का। इस इक्वेशन का निकालेंगे जिसमें एक वैल्यू ऐसी आनी चाहिए जो दोनों का कॉमन हो, इटमीन दैट दोनों का सलूशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप करिएगा क्या, इसमें पहले x की वैल्यू 0 लीजिएगा तो y की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, 3/2, इटमीन दैट 1.5। और जब दूसरी बार लीजिएगा तो y इक्वल टू 0 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। यही काम इसमें करेंगे, एक x की वैल्यू जब हम 0 लेंगे तो उस कंडीशन में y की वैल्यू मिलेगी 2/5 जो कि 0.6 आएगा, और दूसरी बार जब हम y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी, 1/2। अब ये थर्ड वैल्यू जो है वो जो सलूशन आने वाला है वो आप ट्रिकी मेथड से देखेंगे कि कैसे हम फाइंड करेंगे। तो करिएगा क्या, x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड y 4x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0 करिएगा। डायरेक्ट मेथड बता रहे हैं, x इक्वल टू आप लिखिएगा क्या कि सबसे पहले इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट करके लिख दीजिएगा, 3 1 3 माइनस 4 2 जा 8। ओके, और ऊपर क्या लिखिएगा, x को क्या करिएगा, हाइड कर दीजिएगा और करिएगा आप 2 2 जा 4, माइनस हो जाएगा और बीच में माइनस, 3 3 जा 9। तो हमने देखा यहाँ आंसर आ जाएगा 9 - 4 5/-5, कट जाएगा -1 आएगा। और y की वैल्यू आप कैसे लीजिएगा, y की वैल्यू के लिए भी सेम चीज यह करिएगा, 3 - 8 वही चीज। y के लिए क्या करिएगा, y को हाइड करिएगा और क्रॉस मल्टीप्लाई को ऐसे करिएगा, 3 4 जा -12 -2 1 जा -2। तो यहाँ पे भी हमने देखा +2, तो यहाँ आ जाएगा -10/-5, इट मीन दैट वैल्यू हमारी -2 आ जाएगी, -2 नहीं 2 आएगी। इट मीन दैट ये जो -1 और 2 होगा ये बोथ में क्या मिलने वाला है, कॉमन मिलने वाला है। तो आपको किसी भी लाइन को ड्रा करने के लिए मिनिमम 2 रिक्वायरमेंट होती है 2 लाइंस की, लेकिन यहाँ पे हम कम से कम 3 वैल्यू को लेंगे ताकि एक वैल्यू हमारी जो हमारा उसका सलूशन आने वाला है वो हमें आसानी से मिल जाए। और अगर आप अपने मन से निकालते चले जाएंगे तो हमें वो वैल्यू फिक्स नहीं मिल पाती है जो दोनों का सेम सलूशन हो। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ पे शो कर देंगे और जिसका हमको यही क्या मिलेगा, सलूशन मिलेगा। ठीक है, अगर आपको इस मेथड का यूज नहीं करेंगे तो आपको ग्राफ जो है वो एक्यूरेटली ड्रा करना पड़ेगा एक्यूरेट सलूशन के लिए। ओके, सबको समझ में आ गया, अंडरस्टैंड? ठीक है, तो ग्राफ आप बना लेंगे। ठीक है, थैंक यू।